एम बी बी एस इन उजबेकिस्तान के लिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं सो इन दिस वीडियो आई विल बी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चन रिगार्डिंग एम बी बी एस इन उजबेकिस्तान वॉच दिस वीडियो टिल एंड और अगर फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आंसर नहीं हुआ हो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप इन अ कमेंट बॉक्स जो भी आपका क्वेश्चन हो सेकेंड थिंग इज यू कैन ऑलवेज ज्वाइन अवर व्हाट्सएप कम्युनिटी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है जहाँ पे एडमिट आपके क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर करेंगे हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मेरीपीडिया माय नेम इज़ पूर्णिमा गुप्ता तो मेजर क्वेश्चंस जो लोगों के होते हैं वो ये होते हैं कि उज्बेकिस्तान एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है या नहीं सबसे हॉट क्वेश्चन लाइसेंस वेदर लाइसेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा ये उज्बेकिस्तान का बहुत ही एट्रैक्टिव पॉइंट है जो हम इस वीडियो में लास्ट में कवर करेंगे कि उजबेकिस्तान में लाइसेंस कैसे मिलता है देन द थर्ड थिंग इज बजट कैसा होगा और टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी है इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे उजबेकिस्तान एज अ कंट्री क्योंकि यू शुड डेफिनेटली नो की उजबेकिस्तान एज अ कंट्री के क्या क्विक फैक्ट है जहाँ आप छह साल रहने वाले हैं आपको उस कंट्री के बारे में डेफिनेटली पता होना to you उजबेकिस्तान एज अ कंट्री की अगर बात की जाए तो उजबेकिस्तान एक एशियन कंट्री है जो कि पहले सोवियत यूनियन का पार्ट भी हुआ करती थी यूएसएसआर का पार्ट सो uh, so इस वजह से यहाँ पे जो कल्चर है वो एशियन और रशियन कल्चर मिक्स है और यहाँ पे जो स्टडी पैटर्न भी फॉलो होता है वो भी रशियन फॉलो होता है सेकेंड थिंग अबाउट इट्स पॉपुलेशन देर इज लॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन इन उजबेकिस्तान अबाउट थ्री पॉइंट सेवन करोड़ थर्टी सिक्स सेवन मिलियन अप्रोक्सीमेटली जिसकी वजह से बच्चों को जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो भी काफी अच्छा मिल जाता है फिर यहाँ के टेम्परेचर

करंसी की अगर बात की जाए तो करंसी यहाँ पर चलती है उज़्बेकी सोम अब वो काफी वीक करेंसी है वन रुपी इज इक्वल टू वन फोर्टी टू उज़्बेकी सोम आपको मिलते हैं देखने में बहुत ज्यादा लगेंगे लेकिन आ, ये यहाँ पर फिर कॉस्ट भी वैसी है बट स्टिल वीकर करेंसी होने के कारण जो लिविंग कॉस्ट है यहाँ पे काफी कम आती है सो so, अगर उजबेकिस्तान की लोकेशन की बात करें तो जो लोकेशन है वो इंडिया से काफी नियर है डायरेक्ट फ्लाइट्स की बात करें तो दिल्ली से अगर आप ताशकंद की बात करें वहां पे विद इन थ्री आवर्स यू कैन रीच टू ताशकंद ताशकंद जो है यहाँ की कैपिटल है और वैसे भी अगर उजबेकिस्तान की लोकेशन की बात करें ये सराउंड करती है किर्गिस्तान कजाकिस्तान और तजाकिस्तान से आ, तो ये अगर ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए लिटरेसी रेट भी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से क्राइम रेट यहाँ पे काफी कम है इवन यूरोपियन कंट्रीज मानी गई हैं कि वहाँ पे क्राइम रेट कम है आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो इस कंट्री का क्राइम रेट सबसे कम है सो दैट मेक्स वेरी सेफ कंट्री फॉर इंडियन स्टूडेंट्स अदरवाइज आल्सो उज़्बेक के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा वॉर्म है वेलकमिंग है फॉर इंडियन स्टूडेंट सो ओवरऑल इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर इंडियन स्टूडेंट अब बात करेंगे एनएमसी गाइडलाइंस क्या उजबेकिस्तान एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करता है गाइडलाइंस फॉलो करता है नंबर वन यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज फाइव इज ऑफ योर स्टडी एंड वन ईयर ऑफ इंटर्नशिप नंबर टू जो यहाँ पर है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो कम्पलीटली इंग्लिश है ऑल दो यहाँ पे उजबेक और रशियन बोली जाती है बट आपकी जो एग्जाम्स होंगे एंड एवरी थिंग इज इन इंग्लिश थर्ड थिंग जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं वो डब्ल्यू एच ओ अप्रूव यूनिवर्सिटीज हैं उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी क्योंकि आपका एडमिशन वही होगा अगर आप हमारे थ्रू जाते हैं जो यूनिवर्सिटीज डब्ल्यू एच ओ अप्रूव है अब बात करेंगे लाइसेंस की लाइसेंस बहुत ही हॉट टॉपिक रहता है बच्चों के दिमाग में कि लाइसेंस कैसे मिलेगा यस उस बेकिस्तान में आपको लाइसेंस मिलता है और वो कैसे मिलता है उसके लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना यस यू हर्ड इट राइट कोई भी एग्जाम आपको यहाँ पे लाइसेंस के लिए नहीं देना आपकी फाइव इस की डिग्री प्लस

लोकेशन पॉपुलेशन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे सो स्टे ट्यून्ड विद अस अंटिल एंड और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज 2023 नीट के लिए जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगे बहुत ही रेगुलर टाइम पे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देयर आर टोटल टॉपिक्स यूनिवर्सिटीज इन उजबेकिस्तान फर्स्ट वन इज ताशकंद मेडिकल अकेडमी सेकेंड ताशकंद स्टेट डेंटल इंस्टीट्यूट थर्ड वन समकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट देन फोर्थ वन अंदीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी देन फिफ्थ वन फरगाना मेडिकल Institute of Public Health

दैन द नेक्स्ट वन इज़ एंडीजन यूनिवर्सिटी ये अगेन एंडीजेन सिटी में ही है वहाँ की पॉपुलेशन की भी अगर हम बात करें वो लगभग थ्री लैक्स की पॉपुलेशन है और एनुअल ट्यूशन फीस की बात करें वो है थर्टी फोर हंड्रेड यू एस डी और इट वॉज ऑल्सो फाउंडेड इन नाइनटीन फिफ्टी फाइव क्वाइट ओल्ड यूनिवर्सिटी ये भी एक ऑप्शन बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है नेक्स्ट वन इज फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ अगर इसकी बात करें ये है इन फरगाना स्टेट जहाँ की पॉपुलेशन लगभग फाइव लैक्स के आस पास है ट्यूशन फी की अगर बात करें वो है थर्टी फाइव हंड्रेड यू एस डी पर ईयर दैन द लास्ट वन इज बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट ये भी एक यूनिवर्सिटी जो काफी ओल्ड है इट इज फाउंडेड इन नाइनटीन नाइनटी इसकी जो स्टेट है दैट इज एफ सिचुएटेड इन बुखारा स्टेट एनुअल फीस यहाँ की भी जो है वो लगभग थर्टी फाइव हंड्रेड यू एस डीज है जो सारी अप्रॉक्सीमेटली so यहाँ का भी जो बजट है वो अप्रोक्सीमेटली आपका आता है ट्वेंटी सिक्स टू ट्वेंटी ओवरऑल अगर बजट की आप बात करें सम जो उज्बेकिस्तान में आपका बजट आता है वो स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वेंटी लैक्स तक जाता है जिसमें आपके सारे एक्सपेंसिज कवर हो जाते हैं इंक्लूडिंग योर ट्यूशन फीस योर हॉस्टल योर मेडिकल इंश्योरेंस एंड योर वीजा एक्सटेंशन एवरी थिंग इज बी कवर्ड इन दैट एक्सेप्ट आपका ट्रैवल ट्रैवल जो है वो भी बहुत एक्सपेंसिव यहाँ पे नहीं पड़ता क्योंकि इंडिया से काफी पास है तो अप्रॉक्सिमेटली जो आपके टिकट स्टार्ट होती है वो ट्वेंटी से लेकर सम फोर्टी तक जाती है so, overall, ये बहुत अच्छी ऑप्शन है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी पॉइंट है कि आपको लाइसेंस लेने के लिए यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं दे सो इफ योर प्रेफरेंस इज टू टेक एडमिशन इन देन यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मेडिपीड टीम ऑन द बिलो गिस्तानी बेस्ट फॉर यक्सेसफुल करियर बिकम अ वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर थैंक यू सो मच